हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज आकाश, ड्राइविंग स्कूल विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज फिर से एक नई वीडियो के जरिए एक नए स्टूडेंट के साथ में एक नई कार होंडा सिटी जिसपे कि मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, आप सभी को बताऊँगा जिसमें कि हमें होंडा सिटी कार को चलाते वक्त किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देते वक्त साथ में आपको हमें कैसे स्पीड को कंट्रोल करना है, कैसे स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हम दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि मैंने आज तक अभी आपको नहीं बताई है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में अगर आपको कार को चलाना है एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुँच सकें। मेरे स्टूडेंट्स जो कि साथ में बैठे हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड है कि हमें ट्रैफिक में कार को चलाना मिले। हमें अपनी कार चलाना चाहिए, हमें ड्राइविंग स्कूल की कार नहीं चलानी चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन चला चुके हैं। यू टर्न, कोई दिक्कत होती है खड़ी कर लेना, पूरा क्लेश देर से ब्रेक गट फर्स्ट गेयर लगा लो, घुमाओ स्टेयरिंग, हाँ साथ में आपको स्टेयरिंग भी घुमाना चाहिए, आप हल्का के छोड़ना क्लेश बस, ठीक है धीरे से। मेरे साथ में देखिए आप भी स्टूडेंट चला रहे हैं, कुणाल जी हैं, इनकी वीडियोज आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख चुके होंगे पहले भी और आज फिर आप देख रहे हैं। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मस्त। कैसे कार चला रहे हो अपने? मस्त। गुड, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ में ड्राइविंग सीख करके? मस्त। गुड, सारी चीज़ें मस्त हैं। तो दोस्तों देखिए सारी चीज़ें मस्त हैं, आप भी वीडियो देखेंगे मेरे, ड्राइविंग भी मस्त है, ड्राइविंग भी मस्त है, मतलब खुद मस्त है, मैं भी मस्त हूँ और ड्राइविंग भी मस्त है। गुड, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब आप सभी को मैं बताऊँगी हमें कार को कैसे चलाना चाहिए, ट्रैफिक में कैसे चलाना चाहिए, वो भी होंडा सिटी जो एक लंबी कार होती है। तो अब यहाँ से आप बेसमेंट से निकालोगे, गुड, चलो ठीक है। दोस्तों ये कभी भी लगाना, आपको अगर कार चलाना है तो ये आप एल लगा लो, जैसे कि मैंने अपनी कार में एल लगा के रखा हुआ, आगे में लगा लेते हैं, पीछे में लगा लेते हैं, फिर कार को चलाना। तो बेसमेंट से निकालते वक्त जैसे कि ये भी मैंने आपको आगे भी एल लगा दिया है, ठीक है। तो बेसमेंट में निकालते वक्त क्योंकि अंधेरा होता है, रोशनी बहुत ही कम होती है, तो इसलिए हम हेडलाइट का यूज कर लेते हैं, लाइट जला लेते हैं, विंडो बंद कर देना, ठीक है। फिर हम लोग कार को निकालते हैं, लाइट को हाई पे रखना, ठीक है, हाई करो लाइट, हाई हो गई, ठीक है। चलो फर्स्ट गियर लगा लो आराम से, गुड, टर्न करो, ब्रेक को पैर रख लो, ब्रेक को पैर रख लो, देखो एकदम से कार भागी ना, क्लच दबा दो। ये भी एक अलग है, मेरी कार एकदम से नहीं भागती है क्योंकि वो कम पावर की होती है, ये ज़्यादा पावर की कार होती है, ठीक है। यहाँ से आपको निकलना धीरे से, ब्रेक को पैर करो, एक्सेलेटर पर मत पैर रखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था निकालने के लिए वैसे ही आपको निकालना होगा सेम उसी रास्ते से, स्पेस ले करके, ठीक है। चलो हाँ, स्पेस ले करके वहीं से, फिर भी ना समझा तो पूरा क्लच दबा देना, ठीक है। हाँ थोड़ा सा स्पेस ले रहे थे क्योंकि आपकी होंडा सिटी कार है, लंबी कार है, अभी मटर करना भी नहीं, अभी जैसे जा रहे हो ना वैसे जाते रहो, जाते रहो, आपको राइट जाना है यहाँ से, ठीक है, जाते रहो रैंप से, अभी जाते रहो, अभी टर्न मत करो, जाते रहो हल्के से आगे जाओ, फिर राइट टर्न करना आराम से, स्टार्ट करो, गियर लगा तो फर्स्ट गियर लगा रहे दो, उसी पर आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर कभी ट्रैफिक में बंद हो गए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आराम से ब्रेक पर रखा ना, अब तो आप पूरा क्लच क्यों छोड़ते हो, जब पूरा क्लच छोड़ोगे तो कार एकदम से भगेगी, तो आपको हल्का हल्का क्लच छोड़ना, तो जो सीधा करो मैं साइड स्टीयरिंग, हल्का राइट रखो स्टीयरिंग, अब सीधा करो, अब हल्का का एक्सेलेट करो, एक्सेलेट करो हल्का का, हाँ एक्सेलेट करो हल्का का, हल्का का, हाँ जाते रहो, गुड, आगे से राइट टर्न करना होगा, रैंप से निकलते ही राइट टर्न करना होगा आपको, गुड, स्पीड हल्का से कम कर लो, ब्रेक पर रख के करो, टर्न करो, आप थोड़ा सा घबरा जाते हो जब कस के भगने लगती है ना, तो आप रोकते नहीं हो कार को, कंट्रोल नहीं करते हो, इससे बच करके, है ना,
नई वाली होंडा सिटी है, इनसे बच करके चलो बढ़ाओ। जब कभी भागने लगती है कार तो वहाँ पे आप धीरे से हल्का सा क्लच दबा दिया करो, अपने आप कार की स्पीड कम हो जाएगी। जो जो पहली स्पीड होती है वो पहली स्पीड क्लच से ही रुकती है, उसके बाद जो आप एक्सेलरेटर से स्पीड बढ़ाते हो वो ब्रेक से रुकती है ना। गॉड राइट जाना यहाँ से आपको। चलो बढ़ाओ, जाते रहो सीधे स्ट्रेट। आंटी को हॉर्न दे करके है ना, कोई भी है उसको बगल से हॉर्न दे करके फिर निकलते हैं भाई साहब। चलो सीधे जाना, स्पीड कम रखने का हल्का सा। पूरा राउंड मार लेना ठीक है, आपको गेट से बाहर निकलना ठीक है, फिर उसके बाद फिर गेट के अंदर ले जाना आपको ठीक है। चलो पहले आपको अपना घर का रास्ता प्रैक्टिस कर लेना चाहिए एक बार, फिर निकलते हैं बाहर ठीक है। अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा चलाएंगे, बाहर थोड़ा सा कम चलाएंगे। हेलो आ रहे हैं 15 मिनट में, ठीक है कोई बात नहीं। चलो स्पीड कम रखना हॉर्न दोनों को, गेट से बाहर निकलते वक्त ब्रेक पे आप पैर रख लो भाई साहब, गलत बात है, क्लच दबा दो पूरा, दबा दो क्लच, हल्का राइट रखो हल्का हल्का। अभी मत टन करना, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी मत टन करना स्टीयरिंग को, अभी नहीं अप टन करो। हाँ चलो दे दो हॉर्न, हल्का का सीधा करोगे ठीक है, अभी नहीं हल्का, अभी नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके फिर सीधा करोगे और हल्का हल्का क्लच छोड़ोगे, हल्के का सीधा करो मेरे साइड, सीधा करो और सीधा करो दौड़ के, बस हल्का राइट रखो हल्का सा राइट, गुड गेट के अंदर आप आ गए। चलो बहुत बढ़िया ठीक है, सीधे जाना है आपको ऊपर ऊपर ठीक है। चलो बढ़ाओ हल्का हल्का, कैसा जैसा कि अभी आप यहाँ पे गेट के अंदर लेके आए, चढ़ाई पे चढ़ाया तो आपको क्या लगा, कैसा महसूस हुआ? हल्का सा, थोड़ा सा स्पीड पे कंट्रोल और स्टीयरिंग पे कंट्रोल करना है आपको, गुड ठीक है। सीधे जाना है आपको यहाँ पे स्ट्रेट, जैसे कि आज आपका लास्ट डे है ठीक है, चीज़ों पे प्रैक्टिस करोगे चीज़ें पूरी क्लियर होते जाएंगी, कभी भी सीखना पूरा ख़त्म नहीं होता है, आप लाइफ टाइम में सीखते ही रहोगे, मतलब कि सीखते जाओगे, जितना चलाओगे उतना चीज़ें सीखते ही जाओगे। जैसे कि अभी यहाँ पे आप कार को चला रहे हो मेरे साथ में चलाते हुए, आज आपको 10 दिन हो गए, तो जैसे कि अभी आपकी वीडियोस लोग आपको देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इनसे आप 2 लाइन मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने तरीके से? फ्री हैं, फ्रैंक हैं, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते, अच्छा धीरे धीरे सिखाते हैं और फुल कंट्रोल दे देते हैं एक टाइम पे, अच्छा मतलब गुस्सा नहीं करते हम। चलो अभी जब गलती करोगे फिर बताते हैं, गुड ठीक है। चलो अब आगे ऐसा राइट टर्न करना है, ये भी हम लोग एल्डोगो एलिगेंस विभूतिखंड में है ना। चलो कट जाते रहो सीधे स्ट्रेट, गट सीधा करो जाते रहो सीधा स्ट्रेट। जाते रहो सीधा स्ट्रेट, गुड बहुत बढ़िया। जब भी कोई दिक्कत होगी तो आप राइट वाला पैर अपना जो है वो ब्रेक पे ले आया करो, एक्सेलेटर वाला जो पैर है उसको ब्रेक पे ले आया करो। अब हम लोग गेट से बाहर निकलेंगे, गेट से बाहर रोड पे चला के आएंगे कार को ठीक है, फिर आकर के खड़ी करेंगे। जाते रहो सीधे स्ट्रेट, गुड बहुत बढ़िया।
हॉर्न दे दो, लेफ्ट का सिग्नल मार दे रहा हूँ। हल्का राइट रखो, हल्का राइट रखो, अभी मटन करना भी नहीं, टर्न करो। गुड, बहुत बढ़िया, सीधा कर दे से भैया। गुड, आगे से फिर लेफ्ट टर्न करना, लेफ्ट का सिग्नल मार देना। गुड, चलो लेफ्ट टर्न करो फिर से। हाँ टर्न करो आप, हाँ टर्न करो। गुड, चलो सीधा करो धीरे से, जाते रहो सीधे स्ट्रेट। आप एक्सेलरेटर छोड़ो, बैक क्लच दबाओ और सेकंड गियर लगा लो मुस्कुराते हुए। गुड, बहुत बढ़िया। Beep, beep.